हेलो क्यों तमाशा कर रहे हो? अरे हमने सुना था इधर मदारी वाले आए हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे बंदर का नाच कर ले, यहाँ पे थोड़ा उसका तमाशा कर ले, नाच कर ले, आप बाहर जाके ऑटो कर ले, दफा हो जाए यहाँ से। मदारी वाले मदारी नहीं आए यहाँ पे, मदारी फिल्म की कास्ट आई यहाँ पे, पागल कहेंगी। पर ये ऐसे ही है कौन? और ये तो वैसे ही है, पता नहीं कैसे है। तो क्या है, तो हमारा ऐसे के वैसे कर दिए। कहावत ठीक बा, ऐसे का वैसे नहीं होता, ऐसे की तैसी होता है। अरे लेकिन फीलिंग तो वही है ना। बहुत फीलिंग ले रही है तू आजकल, हम देख रहे हैं। हम बता रहे हैं, हमको रिंकू देवी कहते हैं, हमारी ननद है इसको संतोष कहते हैं, जो हमारे आंख के नीचे इसको डार्क सर्कल कहते हैं, और वो जो जलेबी जैसे शेर सुनाते हैं उनको सिद्धू जी कहते हैं, इनको डार्क चॉकलेट कहते हैं, स्वीट चॉकलेट कहते हैं, और देख आम पापड़ बैठा है। अरे देखिए, हम कह रहे हैं कि कब तक ऐसे आप फिल्मों में लोगों से सुनते रहेंगे, और लोगों को आपको कहना पड़ेगा कि भाई एक बार घोड़ी चढ़ना नसीब नहीं हुआ और दूसरे लोग घोड़ी पे घूमे जा रहे हैं। ये क्यों ऐसा आपको बोलना पड़ता है? अच्छा नहीं लगता है हमें, इसलिए हम आपके लिए पर्सनल घोड़ी लेकर आए हैं। नहीं देखिए, आपको मौका हम दे रहे हैं, आइए घोड़ी पे बैठिए, एक देख नहीं एक 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 बार घोड़ी पे बैठ के तो देखिए। आपकी घोड़ी के आगे डांस हम खुद करेंगे। अब म्यूजिक चलाइए। सिद्धू भाजी, घोड़ी में घर ले जाता हूँ। अब इसका क्या, इसको भी ले जाइए, इसने आपके लिए इतना किया है, तो हाँ किए कि ना किए? तो हाँ ही है। हाँ ही है जी, बिल्कुल। किसके ना के लिए हाँ है क्या? ना के लिए हाँ है। हाँ, हमने कहा था तुझे भैंसिया समझ गया, सब कुछ बात बन रहा था, जो तू डांस किया ना ये गंदा सा, उसकी वजह से मना कर दिया, वरना रिश्ता का बात हो जाता। हमारे कब तक सीने पे दाल चलेगी तू? दो से तीन नहीं होने देगी तू, परिवार नहीं बढ़ने देगी, खुद ही बढ़ती जाएगी। इसके बाद हमको जीने नहीं देती है इरफान जी, हमको क्या बताएं? घर में हमारा जो हॉल रूम है ना, उसमें हम सोते हैं, इधर भैया सोते हैं, बीच में ये सोती है, इधर हम सोते हैं। तो ये करवट मारती है हम बाहर कमरे के। हॉल रूम में सोते हैं सब लोग। क्यों सोते हैं हॉल में, बेडरूम में सोया करें आप? बेडरूम तो है ही नहीं ना। आपने पिछली बार कहा था मेरा वन बेडरूम हॉल किचन है। नहीं, उल्टा सुना, हमने कहा था हमारा बेडरूम हॉल किचन वन ही है। किचन में ही हॉल बनाया है। तुझसे कोई जिम्मी शेरगिल नहीं, जिम्मी शेरगिल शादी करेगा कोई। कितनी बार आपसे कहा है, भैया भी कहा है, पर मर्द के सामने इतना बतियाने का जरूरत ना है। बोले ही जा रही हैं, चुप रहिए। बातों का एक सिस्टम होता है, तरीका होता है। ए भैंसिया, क्या सिस्टम होता है? तू हमको सिस्टम सिखाएगी क्या? अरे देखिए, एक 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 देंगे आप। हेलो, अरे सुनो, देखो आप लड़िए मत, आप एक काम करिए, आज हम सिटी केबल में यही मुद्दा उठाने वाले हैं कि कौन सा सिस्टम कौन चला रहा है और कैसे चला रहा है और क्यों चला रहा है, तो आप उसमें हमारा साथ दीजिए, लड़िए मत आप। वही हम कह रहे हैं, हौसले का शो है, उसमें आप ऐसा कर रहे हैं। चुप कर, गंदा गंदा चुटकुला सुनाती है, हंसने का शो है। चलिए चलिए, डिबेट शुरू करते हैं फटाफट। सिटी केबल, सिटी केबल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है सिस्टम, उस पर चर्चा करने के लिए भारत से हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर इरफान खान, जोरदार तालियां। इंडिया से मिस्टर जिमी शेरगिल, और अपनी औकात से मौजूद हैं रिंकू भाभी और संतोष देवी। हम अपना बहुत बहुत सौभाग्य समझते हैं कि इतना बड़ा बड़ा एक्टर लोग के साथ हम यहाँ प्रोग्राम में डिबेट कर रहा है।
हम आप बहुत बहुत खुश हैं। अपनी बकवास बंद करिए, मुद्दे की बात करिए। बहुत सौभाग्य, सौभाग्य क्या सौभाग्य? हम अपना दुर्भाग्य समझते हैं, ऐसा होस्ट है इस प्रोग्राम का। मुद्दे की बात करिए, सिस्टम सिस्टम से क्या प्रॉब्लम है आपको? सिस्टम तो जब बदलेगा तब बदलेगा, लेकिन इसका भैया बनियान नहीं बदलता है। बनियान पहना रहता है तीन तीन महीना तक, हमको तो वही समझ में नहीं आ रहा वो कब बनियान बदलेगा। अरे तो एक बनियान पहने तो क्या दिक्कत है, एक पहना रहने दीजिए। बनियान देखी भी तो बड़ा बनियान है, धोने में टाइम लगेगा ना उसको। सोना आपको थोड़ा ही होता है, उनके साथ हमको होता है ना। हमको रोज रात को एनेस्थीजिया लग जाता है, इतना गंदा बनियान बदबू मारता है। तो बनियान की बात चल रही है, इसी बात पे हम अपना प्रोडक्ट भी बेच देते हैं। इस सवाल के प्रायोजक हैं कप्पू बनियान और झांगिया। कम चलने का वायदा उठाए आपकी मजबूरी का फायदा, आज ही ऑर्डर करने पे 100 रुपया ज्यादा। तो ब्रेक से जाने से पहले हमारा सवाल है कि सिस्टम बदले ना बदले, इनके पति बनियान जरूर बदलने चाहिए उनको। हाँ। ऐसा है तो मोटे मुंह वाली मोहतरमा, आप अपने भैया से क्यों नहीं बोलती बनियान चेंज करने के लिए? अरे झूठ बोल रहे हैं, हमारे भैया हर हफ्ते बनियान बदलते हैं। वो हमारे पापा की पहन लेते हैं, पापा उनकी पहन लेते हैं। फिर जब एक दूसरे की बनियान पहन पहन के ऊब जाते हैं तब पड़ोसी की पहनते हैं। आप मुद्दे से भटक रही हैं। इरफान जी आप बताइए, लोग कहते हैं सिस्टम बदलना चाहिए बदलना चाहिए, कौन से सिस्टम की बात हो रही, क्या बदलना चाहिए? अभी सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया ना, सिस्टम यही होता है, हमने गलत नाम रखा देश हो रहा है, गलत नाम रखा। हो गए सुन रहे हैं, बात तो सुनेंगे। तो उन्होंने कहा कि देश सो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखा हम तो जाग रहे हैं। देश सो रहा है लेकिन इनके घर का बनियान कोई नहीं धो रहा है। फिर भलती बात है ना, देखिए हमारा भी इसमें एक्सपीरियंस रहा है। लोग कहते हैं धीरे चलाइए, धीरे चलें, ऐसा कहते हैं। अब हमारे घर का जो बिजली का मीटर है तेजी से दौड़ता है, एक बार उसको अपने हाथों से हमने धीरे कर दिया तो पुलिस हमी को पकड़ रही है। ये कैसा सिस्टम हुआ? वही तो हम कह रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं, आप देखते नहीं, आप सो रहे हैं। मैंने एक ऐड किया बल्ब का, आपने वो बल्ब क्यों नहीं लगाया आपने? किसका? किसका? अरे उसका। किसका? किसका चोपड़ा? अरे किसका? वो हम समझे जिसका, लेकिन आपने नहीं देखा उसका। किसका ऐड किया? सो रहे हैं कि नहीं सो रहे? किसका? 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 क्या किसका चोपड़ा? अरे किस, हाँ कौन चोपड़ा ना, कि चोपड़ा नहीं, किसका? उसका जिसका ऐड किया वही। अच्छा उसका, हाँ उसका, फिर हाँ तो और किसका? तो जैसा कि इरफान जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, तो जी आप और क्या पूछना चाहेंगे? हिंसक होता जा रहा है प्रोग्राम। अभी मैं सामने से मार, अभी मैं पीछे से आके मारूंगा आपको। आप बताएं आपका मुद्दा क्या है? जो रेलवे है वो आपका अपना संपत्ति है, सिद्धू जी ऐसा बोलते हैं। हमारा अपना संपत्ति है तो इसके भैया ट्रेन में एक दिन पंखा उतार रहे थे तो फिर इनको जेल में ले गया, बोले थे हम तो अपना संपत्ति उतार रहे हैं, जेल में ले गया, अंदर बंद कर दिया। और उसके भैया ने अब ये नहीं बताया कि अंदर क्या किया, वो तो हमको बताया भी नहीं, लेकिन बहुत बुरा किया उनके साथ। तो यही यही लोग हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जिसके ट्रेन के टॉयलेट के डब्बे जो है वो लॉक करके रखे गए हैं, लेकिन उनका चेन से बांध के रखा हुआ है। आप ही लोगों की वजह से ये लोग ले जाते का डब्बा चेन से मान दिया, बताओ आप। लेकिन चेन छोटा रहता है उसके अंदर, डब्बा पहुंचता ही नहीं है अपने पास। हमको खूब डब्बे तक जाना पड़ता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।